जय हिंद। मैं मोहम्मद तौफीक BTS न्यूज एंड TV चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। उत्तर प्रदेश में इन दिनों चुनावी बिगुल बज चुके हैं। 2022 पूरे प्रदेश में दिखाई दे रहे हैं। सभी पार्टियां अपने अपने स्तर से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में लगी हुई है। ऐसे में हमारे साथ आज भारतीय जनता पार्टी से मोह भंग हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारे साथ आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, 67 से समर्थक रहे हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने हाई स्कूल किया और हाई स्कूल करने के बाद तब से ये भारतीय जनता पार्टी के साथ निरंतर कदम से कदम मिलाकर प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। 2014 में भी प्रधानमंत्री मोदी जी के संसदीय चुनाव में भी इन्होंने जी तोड़ मेहनत की। जनता पार्टी का ऐसा कोई प्रचारक नहीं है जो अशोक कुमार खन्ना जी को ना जानता हो। हम आज उनसे बात करेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी से उनका मोह भंग। ये बताइए, 1967 के बाद से आप भारतीय जनता पार्टी के साथ लगे हुए हैं। हाँ साहब, 1900 किन प्रत्याशियों को आपने चुनाव लड़ाया, जरा विस्तार से बताइए हमारे। पंडित राजबली तिवारी जी, जो हमारे सर दक्षिणी के विधायक थे जी, विधायक भय भी। श्यामदेव राय चौधरी, जो डॉक्टर रजनीकांत दत्ता से पहला चुनाव हार चुके थे जी, लेकिन उस समय से हम लोगों ने प्रण किया कि कांग्रेस को यहाँ से ख़त्म कर देना है जी। और कांग्रेस को ख़त्म करने में हम लोग सफल भी रहे जी। जान से 80 से ले के नगवा तक, राजघाट तक हम लोगों ने कोई घर ऐसा नहीं छोड़ा। इतनी मेहनत की कि भारतीय जनता पार्टी को जीवित किया गया बनारस के भीतर। और जब भारतीय जनता पार्टी के 2 MP थे, उसके बाद से हम लोगों ने जी तोड़ मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी को फिर से बनाया गया। जनसंघ के जब जनता पार्टी बनी, विश्वनाथ प्रताप सिंह की जब जनता पार्टी बनी, उस समय भारतीय जनता पार्टी का विलय उसके समर्थन से जनता पार्टी बनी, जिसमें BP सिंह जो है मंत्री भय। उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी आई, टूट गई, तो इनके 2 MP थे, लेकिन इसके बावजूद हम लोगों ने राष्ट्र के प्रति समर्पित पार्टी समझकर इनका समर्थन किया और आज तक मैं इनका समर्थन करता रहा। श्यामदेव राय चौधरी बड़े ही लोकप्रिय की सीट पर उन्होंने 35 साल तक अपनी जीत बराबर रखी। उसके बाद नीलकंठ तिवारी जी आते हैं। जरा विस्तार से श्यामदेव राय चौधरी, जिनको दादा के नाम से जाना जाता है, उनके बारे में बताइए कि उनके साथ आपने कितना काम किया। से जब श्यामदेव राय चौधरी पहला चुनाव हारे, तो हम लोगों ने उस समय प्रण किया, हमारे डॉक्टर, हमारे जो प्रत्याशी दादा थे, उनका कुर्ता डॉक्टर रंजीकांत दत्ता के चुनाव में फाड़ा गया, उनसे मारपीट की गई। लेकिन उसके बाद से हम लोगों ने प्रण किया कि यहाँ से कांग्रेस का वर्चस्व ख़त्म करना है। हम लोगों ने, दादा हमारे लोकप्रिय नेता थे, हम उनके लिए कर्फ्यू में भूखे रह कर, जबकि मैं आर्थिक स्थिति से बहुत कमज़ोर था, लेकिन फिर भी भूखे रह के उनके लिए काम किया गया। और आज हमारे इतने लोकप्रिय श्यामदेव राय चौधरी दादा भय कि 7 बार वहाँ के विधायक बने, और आज तक उनके ऊपर कोई ब्लेम नहीं है कि उन्होंने कहीं जो है नंबर 2 का काम किया हो, या किसी की ज़मीन कब्जा की हो, या किसी को किया। नहीं, मैंने प्रचार नहीं किया। 14 में मैंने मोदी जी का प्रचार क्योंकि इसलिए किया कि ये एक चाय बेचने वाले देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो आम गरीब। आपको क्या लगता है, प्रधानमंत्री जी ने चाय बेचते बेचते सूट पहनना शुरू कर दिया, इसलिए आपका मोह भंग हो गया? हमारे प्रधानमंत्री जी तो एक प्रकार से कहा जाए कोरोना की तरह बहरूपियाँ हैं, एक से एक ड्रेस पहनते हैं, उनकी ड्रेस की तो तुलना नहीं है। राजा है वो, राजा है। और वो अगर ड्रेस नहीं पहनेंगे तो क्या आप पहनेंगे? नहीं, वो तो कहते हैं मैं प्रधान सेवक हूँ, और अगर राजा वो अपने को महसूस कर रहे हैं तो ये तो बड़ी बधाई की बात है। प्रधान सेवक को प्रधान सेवक आप ही ने तो बनाया है। प्रधान सेवक बनाया तो उसके लिए तो हम लोग तो प्रयत्न किए। ऐसा क्या हो गया जो 2014 के बाद से आपका मोह भंग हो गया प्रधानमंत्री जी से? प्रधानमंत्री जी से मोह इसलिए भंग गया कि उनकी कुछ बातें मुझे एकदम नागवार लगी। नागवार इसलिए लगी कि इन्होंने ताली पीट पीट के कहा था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा, 15-15 लाख रुपया हर 0 बैलेंस के खाते में आएगा। 0 बैलेंस का खाता खुलवाने के बाद इन्होंने नोटबंदी की।
नोटबंदी में इन्होंने कहा कि जब मैं जीरो बैलेंस का खाता खुलवा रहा था तो ये ब्लैक मनी वालों को मालूम नहीं था। नोटबंदी का करने का मकसद भी यही था कि काला धन बाहर आए, और जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने काला धन निकाला भी, और मीडिया के माध्यम से कहीं कहीं हमने तो नहीं देखा, कहीं कहीं पता चला कि नोटों के जो है बोरे फेंके गए, आपने कहीं देखा? मैंने तो कहीं बोरे नहीं देखे गए, इन्होंने कहा था कि विदेश में जमा है। पैसे वालों ने गरीबों के खातों में पैसे डाले और डालकर अपने पुराने नोट को नए में कन्वर्ट किया। आपको भी किसी ने पैसा दिया जो पुराने से नया हुआ हो? कोई भी खाते में मेरे नॉलेज में मेरे खाते में तो एक पैसा नहीं आया, न किसी के खाते में मेरी जानकारी में किसी ने पैसा डाला, जिन्होंने भी डाला होगा। चलिए, 19 के चुनाव की तैयारी के बाद आपने श्यामदेव राय चौधरी का जो टिकट काटा जाता है, उसके बाद यहाँ डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी को टिकट दिया जाता है और सरकार बनने के बाद उनको मंत्री भी बनाया जाता है। अब हमको आप ये बताइए कि क्या श्यामदेव राय चौधरी के बाद जो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट आया वो आपके हिसाब से सही नहीं था, जो आपने भाजपा से अपना मुंह हटा लिया? भाजपा से मुंह हटा है नीलकंठ तिवारी की वजह से नहीं हटा है जी, ये बीजेपी के बड़बोलपन से हटा है जी। प्रधानमंत्री इतना बड़ा भाषण देते हैं, ये कोरोना काल में उन गरीबों के लिए क्या हो रहा है कि जो गरीबों का रोजगार चला गया, जो गरीब सड़क पे आ गए, जो गरीब आप 5 किलो राशन दे के अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, 50 रुपए का राशन कांग्रेस ने दिया, 50 रुपए का राशन आपने दिया। आपको यहाँ के जो कोटेदार होते हैं सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान, वहाँ से आपको क्या क्या मिला? अभी वर्तमान समय में 2 बार मिल रहा है। क्या क्या मिला? चावल गेहूँ। कितनी मात्रा थी? 5-5 किलो। ठीक है। तेल और चने भी बांटे जा रहे हैं। एक रिफाइन बाट चना मिल रहा है, लेकिन दाल का क्यों प्रोपोगंडा किया जा रहा है? क्यों कह रहे हैं कि मैं दाल दे रहा हूँ? सीधा कहिए ना कि मैं चना दे रहा हूँ। आप नमक ऐसा दे रहे हैं कि अधिकांश लोग नमक का प्रयोग करना छोड़ दिए। देखिए, नमक पे तो सियासत हुई है, नमक में हमने भी देखा, नमक में कोई ऐसी बात नहीं थी। नमक का नेचर जो होता है, नमक वही था। नहीं नहीं, मैं मानता हूँ सियासत हो रही है या सियासत, लेकिन नमक का प्रयोग मैंने भी किया, मैंने भी ला के उसको 2 बंडल रख दिया। नमक मैंने अभी चेक नहीं किया, चेक करूँगा। मैंने घर में परिवार से कहा कि नमक को चेक करो, तो उन्होंने नमक अभी डाला नहीं, नमक जस के तस रखा गया है। लेकिन आप चुनाव होने हैं तो इस पर जो दक्षिणी के कैंडिडेट हैं, चाहे वो भाजपा के हों चाहे वो सपा के हों, इनमें से आप किसको ज़्यादा समर्थन या ज़्यादा लोकप्रिय हैं आपके? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कैंडिडेट लड़े, बनारस से कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं है जो अपने क्षेत्र में जीतने के काबिल हो। इन्होंने इतना ऐसा अच्छा काम नहीं किया कि दक्षिणी तो 40 साल से जो है बीजेपी के हाथ में है, आप कह रहे हैं कि कोई कैंडिडेट ऐसा नहीं है, किस नजरिए से आप ये बात कह रहे हैं? इस नजरिए से बात कर रहे हैं कि नीलकंठ तिवारी जी एक बार शहर दक्षिणी के विधायक भय, और नीलकंठ तिवारी जी ने ऐसा ऐसा काम किया कि जो सारे शहर में चर्चा का विषय बना। एक काम आप बताइए जो ऐसा हो। ये मैं नहीं बता सकता, इसको तो आप पत्रकार बंधु हैं। फिर तो ये आरोप लगाना हुआ? नहीं नहीं, आरोप नहीं लगाना भैया, अब मैंने लगाया है, मैंने आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं उनको ब्लैक लिस्टेड नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, इसकी चर्चा जो है सारे जैसे मोदी जी ने किया है सारे विश्व में उनकी चर्चा हो रही है, उसे वैसे नीलकंठ तिवारी जी ने भी बहुत अच्छे अच्छे काम किए जो सारे शहर में चर्चा का विषय है। तो फिर तो बीजेपी की दक्षिणी सीट कंफर्म है, आप कह रहे हैं कोई भी सीट नहीं निकाल पाएंगे? नहीं नहीं, आप लड़ाई है, आपने अच्छा काम किया होगा तो जीतेंगे, आपसे जनता खुश होगी तो जीतेंगे, आपसे जनता नाराज होगी तो आपको धक्का। समाजवादी पार्टी की बात करते हैं, समाजवादी पार्टी में आपको क्या लगता है, समाजवादी पार्टी में जो अभी मौजूदा टाइम में सारे उनके कैंडिडेट हैं उनको आप क्या किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी का जो पिछला कार्यकाल रहा है वो पिछले कार्यकालों से हम लोग संतुष्ट नहीं थे, लेकिन तभी बीजेपी आई, पिछले लोगों ने जो गलत काम किए उसी की वजह से हमारी जनता ने बीजेपी को लोकसभा में भेजा।
प्रधानमंत्री जी को भेजा और यूपी में भी डबल इंजन की सरकार, जिसका ये भोपू लेके प्रचार कर रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार बनाई। लेकिन डबल इंजन की सरकार बनाने के पास एक ठोकू मुख्यमंत्री आ गया, जिन जो इतने बड़े मुख्यमंत्री हो के, इतने बड़े प्रधानमंत्री हो के, जिनको अपने भाषा है वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, वो तो जुमला है, जुमला तो प्रधानमंत्री जी बोले हैं। इनके अमित शाह खुदे आके कहते हैं टीवी चैनल पे कि प्रधानमंत्री जुमला बोले थे। जुमला माने क्या होता है, वरिष्ठ नेताओं से पूछिए बीजेपी के, जुमला माने क्या होता है भाई। गलतियां तो जो है, मुलायम सिंह यादव ने एक बार एक रेप की घटना पर कहा था बच्चों से गलतियां हो जाती है, तो मुलायम सिंह ने जो किया कहा था, तो मुलायम सिंह की सजा मुलायम सिंह को मिली। मुलायम सिंह सत्ता से बाहर भय, अखिलेश उसकी सजा अखिलेश को भी भोगना पड़ा, जिन्होंने मुख्तार अंसारी को अपने यहाँ नहीं लिया था, अतीक अहमद को अपने यहाँ नहीं लिया था। आज इनके पास मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के बाद कोई शब्द नहीं है। भूखमरी, बेरोजगारी, रोजगार पे कोई बात नहीं है। किसकी बात कर रहे हैं आप? मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ, जो सत्ता में वही ना भागीदार है। इतनी लाशें गिर गई गंगा जी में, इसका कोई जवाब देने वाला नहीं है। इतने कोरोना में लोग मर के आए, कोई जवाब देने वाला नहीं। क्या लगता है आपको कि कोरोना काल में व्यवस्थाएं सही नहीं थी? व्यवस्थाएं इनकी तो, अरे आप प्रधानमंत्री जी की बात की तो तारीफ करते, मेरे मुंह नहीं थकते। मगर प्रधानमंत्री ने तो कहा जिस तरह से डबल इंजन की सरकार ने पूरे महामारी को कंट्रोल किया, नियंत्रण किया। हजूर मेरी बात सुने, 22 मार्च को प्रधानमंत्री जी कोरोना की घोषणा करते हैं, एक महीने बाद 5 किलो राशन की घोषणा करते हैं, अब 15 दिन बाद इनका रिलीफ फंड चालू हो जाता है, 500 करोड़, 10,000 करोड़, एक बड़ी बड़ी कंपनियां इनको देने लगती। जब इनके पास पैसा आया तो ये राशन बांटना चालू किए। राशन बांटा आपने ठीक किया, कोई उसमें बुराई नहीं है, लेकिन राशन बांटा आपने एक महीना बाद। ये वैश्विक महामारी थी और इसमें सारे दुनिया ने मिलके सबको सहयोग किया। जैसा कि मैं सारी दुनिया की बात मैं नहीं जानता, मैं बनारस की बात जानता हूँ। बनारस की बात करते हैं, 2022 के चुनाव पर आप बताइए। बस 2022 के चुनाव में मेरा अपना आकलन ये है कि बीजेपी को जीतना। आप किसको समर्थन करेंगे, जैसे आप हमेशा से भाजपा को समर्थन करते रहे? मैं भाजपा का विरोध करूंगा और डट के करूंगा। तो किसका समर्थन करेंगे? मैं समाजवादी पार्टी का समर्थन करूंगा, क्योंकि अखिलेश यादव एकदम शुद्ध हैं, उनके ऊपर कोई एक ब्लेम नहीं है, कोई एक केस नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री भाई चाहे गृह मंत्री भाई, सभी पावरफुल आदमी है और सभी महान आदमी है। इनकी महानता, वो पावर जनता ही देती है। जनता नहीं देती, जनता क्यों व्यक्तिगत फार, जैसे ये चिल्लाते हैं कि ये मुख्तार अंसारी है, इनके ऊपर 20 केस है, ये अतीक अहमद है, इनके ऊपर 20 केस है। तो आप लोग अपने गिरेबान में भी तो झांक के देखो कि मैंने 100 इतने प्रत्याशी उतारे हैं, इसमें कौन कौन इतना काबिल है, किसके किसके ऊपर केस नहीं है। जनता उन्हीं को पसंद करती है, इसलिए वो उन्हीं को वोट टिकट देते हैं। नहीं नहीं, आप जनता उनको पसंद करती है, जनता दी है, जनता ले भी लेगी। जो जनता देती है वो चमड़ी उधेड़ के ले भी लेती है। जैसे ये गर्मी निकाल रहे हैं, उसी से गर्मी किसी की भी निकल सकती है। ये जनता की रूपरेखा है जी, कब जनता का मूड घूमेगा इसको कोई नहीं जानता। आप इतना बड़ा बवंडर फैलाए हैं, जगह जगह 100 करोड़ रुपया प्रचार में खर्चा हो गया। समाजवादी का नारा क्या होगा इस बार? समाजवादियों का नारा, पहले इनको हटाओ फिर नारा बनता रहेगा। मैं तो एक बात जानता हूँ कि इनको हटाओ। बनारस की जनता तो कह रही है जो राम को लाए हैं उन्हीं को लाए। हाँ तो राम को लाए हैं तो ये थोड़ी ना राम को लाए हैं। हम इसके लिए अशोक सिंघल को बधाई का पात्र मानते हैं और कल्याण सिंह को बधाई का पात्र मानते हैं, जिन्होंने एक लाइन में लिख के अपनी सरकार को रिजाइन दे दिया। ये तो रास्ता बनाने वाले लोग हैं, पर निर्माण तो इनके शासनकाल में शुरू हुआ। निर्माण इनके शासन के, इसके लिए बधाई के पात्र हैं। तो इसमें लिखे कि मेड इन योगी, मंदिर में लिख दे मेड इन मोदी, मेड इन बीजेपी बनेगा वो। नहीं नहीं, बीजेपी बनेगा, बीजेपी तो बन गया है, लेकिन संग संग ये भी लिखें, जैसे कि नमक में मोदी, दाल में मोदी, चने में मोदी, शौचालय में मोदी, जहाँ देखिए वहाँ मोदी, सुबह जो पेपर उठाइए उसमें मोदी योगी नजर आ रहे हैं। पता नहीं कितना पैसा इनके पास है कि हर टीवी चैनल पे देखिए योगी मोदी के सिवा कोई दूसरे की बात नहीं करता, सारे चैनल बिके हुए हैं। क्या गरीबों के लिए किया है?
जो दो दो लाख पांच मुफ्त राशन दे रही है सरकार, मुफ्त राशन दस पांच किलो से दस किलो कर दिया है। अरे पहले महीने में एक बार मिलता था, दो बार मिलता। अरे हजूर, अंग्रेज कोड़े मारते थे और एक एक लोटा पानी पियाते थे कि साले जिए रहे मरे नहीं। आप राशन दे रहे, क्यों नहीं गैस फ्री देते? पहले गैसों के लिए लाइन लगानी पड़ती थी, अब आपको गैस घर बैठे मिल जाए। अरे गैस फिर मिल जाती है? पहले तो 700 रुपए की जब गैस थी तो मोदी जी कहते थे नमन करके गैस को वोट करने जाओ, गैस को पहले नमन करो तब जाके वोट डालो कि मोदी जी को वोट दो। मोदी जी को वोट दिया जनता ने, मोदी जी को जो है सहूलियत तो मिली, बिजली 24 घंटे मिल रही है आपको। भाई सहूलियत मिली, जिनके पास पैसा है उनके पास सहूलियत की कमी नहीं है। आप हवाई चप्पल पहनकर हवाई जहाज में यात्रा करने की मोदी जी ने बात कही थी, सब बेच दिया एयरपोर्ट पर, क्या ये चप्पल पहन के हवाई जहाज घुमाएंगे? काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर आते हैं, इतना बड़ा कॉरिडोर निर्माण हो रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये विकास नहीं है? नहीं नहीं विकास है, इससे हमारा पर्यटन बढ़ेगा, इसके लिए तो वो बधाई के पात्र है। लेकिन जहाँ गलती की वो ये भी तो कहें कि मेरे राज्य में इतनी लाशें गंगा जी में बही। आप ये भी तो कहें कि हमारे राज्य में इतने भुखमरी में इतने जो 2 लाख 5 लाख 10 लाख से काम करने वाले थे, हिंदुस्तान में 20 करोड़ जनता सड़क पे आ गई, उसको कौन दे, कौन बैंक इनको घाट डाल रहा है? मैंने तो जीरो बैलेंस खाता खुला के पत्ता बिनने वालों को खाता खुलवा दिया, कह पैसा आ रहा है जीरो बैलेंस के खाते में। 15 लाख आएगा इस बार अगर प्रधानमंत्री जी 15 लाख आएगा, 5 पैसा नहीं आएगा। ये मोदी है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। एक एक आपको क्या लगता है, यदि अगर भारतीय जनता पार्टी से अमित शाह जी और मोदी जी और योगी जी हट जाएंगे तो फिर आप भारतीय जनता पार्टी को? कुछ नहीं, भारतीय जनता पार्टी को मैं 10 बार कान से उठी बैठी बुक करता हूँ, मैं इनको वोट कभी नहीं दूंगा, कभी नहीं दूंगा। मैं वोट देने की बात नहीं, मैं आप एक कार्यकर्ता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, क्या आप दोबारा भारतीय जनता पार्टी के कार्य पद पर आएंगे? मैं कार्य, मुझे कुछ लालच नहीं है। मैं देखिए गरीब पैसा होता तो मैं कहीं का विधायक कब का हो गया होता, जब भारतीय जनता पार्टी को कोई पूछ नहीं रहा था, टिकट लेके लोग घूम रहे थे कि टिकट ले लो टिकट ले लो टिकट ले लो। ये किस सन की बात कर रहे हैं? ये हम आपको बता रहे हैं मेरे के ये 70-75 की बात मैं बता रहा हूँ। कोई पूछने वाला नहीं था, इनका झंडा कोई लगाने नहीं देता था, आज यही काम ये कर रहे हैं, जो काम जीवन भर कांग्रेस की वही काम ये कर रहे हैं। आज कांग्रेस का भी झंडा कोई नहीं लगा रहा शहर में? नहीं, कांग्रेस का झंडा नहीं लगा रहा है, लेकिन प्रियंका जी आई हैं, वो अपने अपने पार्टी को मजबूत करने का प्रयास कर रही है, इसके लिए वो भी बधाई के पात्र हैं। और अखिलेश यादव भी बधाई के पात्र हैं कि जो अकेले सिंगल आदमी इतनी कौरव सेना को जवाब दे रहे हैं अभिमन्यु की तरह। मैं किसी पार्टी के, लेकिन मैं इनसे भारतीय जनता पार्टी से बहुत ज़्यादा मुझे क्लेश है कि इनके भवकाल में कितने, आपने कह दिया प्रधानमंत्री जी ने कि किराएदारों से किराया हमने लो मकान मालिक, ये तो लॉकडाउन में उन्होंने कहा था, लेकिन किसी की बिजली बिल छोड़े, किसी का बिजली बिल छोड़े कोरोना में, जिनकी मियाई बिगड़ गई, बैंक ने पैसा नहीं दिया, लोगों की गाड़ियां खींचा के चली गई, किस मुँह से बात करेंगे कि हमको वोट दो? आप क्या चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी आपके लोन भी चुकाएं? नहीं नहीं, प्रधानमंत्री जी लोन ना चुकाएं, प्रधानमंत्री जी को कौन कह रहा है लोन चुकाने के लिए? लेकिन ऐसी बात है, मैं 15 लाख देने के किस कुत्ते ने कहा था, किस आदमी ने कहा था कि आप 15 लाख दीजिए? आपने तो चिल्ला अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन का कोई नहीं था इनका। बेरोजगारी पे बात करते हैं, रोजगार बढ़े हैं, युवाओं को अवसर भी मिले हैं, आपको क्या लगता है इस बार युवा किसके साथ होगा? ये तो युवक बताएंगे, मैं तो बुजुर्ग हूँ, युवक तो बता रहे बेचारे। अभी तो बच्चे होंगे? नहीं बच्चे हैं तो मेरे ही। अरे अभी आपको एक नया नमूना बताऊं, 100-100 रुपए में ही श्रम कार्ड बन रहा है, वो तो निःशुल्क है। अरे सुनिए तो, निःशुल्क है लेकिन आपने तो कह दिया आधार निःशुल्क है, आधार भी निःशुल्क है। सुनिए मेरी बतिया को हजूर, काहे निःशुल्क है? अब आप 3 दिन लाइन लगा के जाइए, एक दिन सुबह से शाम तक लाइन लगा के गए आधार बनवाने, वहाँ कहता है ये कागज नहीं है, फुल लाइन खत्म हो गई, दूसरे दिन फिर सुबह आओ। अब आप साइबर में जाइए तो जिसके 2 ठो बच्चे हैं वो 250-250 रुपया लेता है, अगर आपको 3 ठो बच्चे हो आधार बनवाना हो तो साइबर में जाइएगा तो आपकी बुद्धि सही हो जाएगी।
नहीं, साइबर में तो निःशुल्क बनते हैं, संशोधन के 50 रुपए हैं। ये तो यूडीआई की वेबसाइट पे सारी डिटेलें मौजूद हैं। नहीं नहीं, और वो आधार बनवाने के लिए, मेरी बात सुनिए, आधार बनवाने के लिए जितने डॉक्यूमेंट चाहिए उसकी भी सूची मौजूद है। अब उन चीजों को अगर आप सेंटर पर नहीं लेके जाएंगे तो वो आधार ऑपरेटर आपका आधार कैसे बनाएगा? नहीं नहीं, आधार ऑपरेटर नहीं बनाएगा, लेकिन आज ये स्थिति ये है कि अगर आप एक आधार बनाने जाइए तो आप दिन भर अपना हर्जा कर दीजिए काम का, तब सुबह जाइए दो दो बच्चों को लेके, मेरारू को लेके वहाँ जाके बैठ जाइए। पहले तो जगह जगह आधार बनता था, अब ऐसा नहीं है। आज भी है? नहीं, जगह जगह बन रहा है, सारी सरकारी बैंकों में और पोस्ट ऑफिसों में। बैंक में कैसे बन रहा है? साइबर में पहले जाइए, अपॉइंटमेंट लीजिए, पहले 50 वहाँ दक्षिणा दीजिए, उसके बाद फिर वहाँ जाइएगा तो बनेगा। और अगर आप साइबर में जाके उन्हीं से बनवाने की कोशिश कीजिएगा तो कहेगा 250 रुपया, 300 रुपया, 500 रुपया। संशोधन करने का लोग ले रहे हैं, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? गरीबी की बात। विश्वनाथ कॉरिडोर बहुत ही भव्य और दिव्य है, तो इसमें आपको क्या लगता है कि कितने जगह जो क्योंकि आबादी क्षेत्र में वो पूरा प्रांगण था और उसको आबादी से खाली कराकर इस भव्यता को दिखाया गया है, इसमें कितने घर रहे होंगे? जो देखिए, जिनके घर थे उनको तो इन्होंने इफरात पैसा दिया, उनके घर टूटे, लेकिन उनके मंदिरों का पता नहीं चला कि उनके जो अंदर मंदिर थे वो कहाँ गए, मंदिरों को इन्होंने क्या किया। मंदिरों का तो जो तरीका होता है विसर्जन करने का खंडित हो जाने पर, अरे आप मंदिरों का विसर्जन, दुर्गा प्रतिमा तो आप विसर्जन करने गंगा जी में दे नहीं रहे हैं, तो आप जो मूर्ति को विसर्जन कर रहे हैं, आपने जो कॉरिडोर बनाया वहाँ पे दुकानें बनाई, मैं तो सुना हूँ कि दुकान 33 लाख रुपया नजराना और 20-20 हज़ार रुपया महीना, ऐसा मेरे नॉलेज में। हालांकि मैं विश्वनाथ गली का ही रहने वाला हूं, मैंने अभी तक कॉरिडोर देखा नहीं है इनका। कितनी दुकानें रही होंगी जिनको हटाया कर ये निर्माण हुआ है? कितने मकान रहे होंगे हजूर? तो कम से कम मैं समझता हूं सैकड़ों दुकानें रही होंगी, कम से कम 200-250। उन सबको दुकानें देने का वादा भी किया गया था, दुकानें मिली नहीं होंगी? अब ये तो जिनको दुकानें मिली होंगी ये तो वो बता देंगे, लेकिन मैं तो इस बात को नहीं जान रहा हूँ। लेकिन ये कि वहाँ दुकानें थी, छोटे छोटे मकान थे, आपने वो जो कॉरिडोर बनाया उसमें कोई ठीक है आपने बनाया, वो पर्यटन के लिहाज से बनारस की एक शान है बनारस की, लेकिन इसके लेके माइक लेके अगर चिल्लाया जाए कि मैंने ये काम किया, तो ये भी काम आपने किया कि जो इतने लासी बने। साथ थे अशोक खन्ना जी, जो भारतीय जनता पार्टी के निरंतर 1967 से 2019 तक समर्थक रहे हैं, और जुमलेबाजी की वजह से इन्होंने अपनी पार्टी से इनका मोह भंग हुआ। ये वाराणसी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के जो पूरा प्रांगण है उसी प्रांगण में भी ये भी उन्हीं उसी प्रांगण से ही रहने वाले हैं, और इनका एक बहुत पुराना अनुभव रहा है क्योंकि 35 साल तक इन्होंने श्यामदेव राय चौधरी जी के साथ काम किया है, उसके बाद ये 5 साल नीलकंठ तिवारी जी के भी कार्यकाल को इन्होंने देखा, और ये सारे समय चक्र को इन्होंने अपने बुढ़ापे में आके, इनको ये आभास हुआ कि कहीं ना कहीं इनको छला गया है इनकी पार्टी द्वारा।